वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 के आने वाले एपिसोड में राहुल कृष्ण वैद्य अपने जर्नी वीडियो को देखने के बाद वो काफी इमोशनल होने वाले हैं। पूरी तरह से टूट जाएंगे राहुल कृष्ण वैद्य, बिलक बिलक कर रोते हुए नजर आएंगे थिएटर रूम में, जहां पर राहुल कृष्ण वैद्य के जर्नी वीडियो में बहुत सारी बातें उन्हें बताया जाएगा और अपनी सारी की सारी यादों को याद करके एक बार फिर राहुल कृष्ण वैद्य जो हैं बिलक बिलक कर रोते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ थिएटर रूम से बाहर निकलकर वो किसके पास जाएंगे, एली गोनी के पास जाएंगे या फिर निक्की तंबोली के पास जाएंगे? तो हम आपको बता दें, एली नहीं, निक्की तंबोली नहीं, बल्कि रूबीना दिलेक के पास जाते हैं और रूबीना दिलेक को बड़ा न्योता देते हैं। अब ऐसा क्या दिखाया शो के मेकर्स ने रूबीना दिलेक के बारे में राहुल कृष्ण वैद्य को कि राहुल कृष्ण वैद्य इतने इमोशनल हो गए रूबीना दिलेक को लेकर? आइए हम आपको आज के खास रिपोर्ट में यही बात बताते हैं और कौन सा न्योता दिया राहुल कृष्ण वैद्य ने रूबीना दिलेक को, ये भी हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लीजिए। हम आपको बता देना चाहते हैं कि राहुल कृष्ण वैद्य के जर्नी वीडियो में उस इंसिडेंट के बारे में दर्शाते हैं बिग बॉस, जब राहुल कृष्ण वैद्य का सबसे इमोशनल भरा मोमेंट रहता है बिग बॉस सीजन 14 के घर में। और वो इमोशनल भरा मोमेंट ये रहता है जब बिग बॉस सीजन 14 के पहले पड़ाव को छोड़कर राहुल कृष्ण वैद्य बिग बॉस सीजन 14 के घर को छोड़कर चले जाते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि राहुल कृष्ण वैद्य अपनी मम्मी पापा से एक पल के लिए भी अलग नहीं रहे हैं बिग बॉस सीजन 14 से पहले। ये उनके लिए काफी बड़ा चैलेंज था और उन्होंने इस चैलेंज को पूरा कर दिखाया। और साथ ही साथ ये उनका, उनके मम्मी पापा का आशीर्वाद ही है उनके ऊपर कि रूबीना दिलेक को कड़ी टक्कर दे रहे हैं राहुल कृष्ण वैद्य। और साथ ही साथ राहुल कृष्ण वैद्य और रूबीना दिलेक के बीच में लड़ाई को भी दिखाया जाता है जर्नी वीडियो में, जहां पर जर्नी वीडियो में हमेशा राहुल कृष्ण वैद्य जो है रूबीना दिलेक को टारगेट करते हुए दिखाई दिए, इस बारे में दिखाया जाएगा। और साथ ही साथ राहुल कृष्ण वैद्य जो है इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे और इस बात को लेकर वो काफी इमोशनल होने वाले हैं। और साथ ही साथ थिएटर रूम से वो जैसे ही बाहर निकलेंगे रूबीना दिलेक के पास जाएंगे और माफी मांगते हुए नजर आएंगे कि मैंने आपके साथ जो भी कहा और साथ ही साथ आपके पति के बारे में जो भी कुछ बोला मुझे माफ कर दो। और इसके बाद रूबीना दिलेक से बड़ा न्योता भी देंगे राहुल कृष्ण वैद्य। और वो न्योता क्या है तो हम आपको बता दें कि इस साल जून में राहुल कृष्ण वैद्य और दिशा परमार की शादी होने वाली है, तो ये इसका सबसे बड़ा न्योता जो है राहुल कृष्ण वैद्य रूबीना दिलेक को देते हुए नजर आएंगे। वेल दोस्तों, आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक ले बने रहे यूट्यूब चैनल के साथ।